अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक से होंगे। तो ये हो रहा है सामान की पैकिंग, कल जाना है, अचानक से काम आ गया हम लोग का नियोम में, तो वहाँ पे कुछ काम है हम लोग का। ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, ये है, जानते ही आप लोग कितने काम का चीज़ है ये। बाकी यहाँ पे कैमरा चार्ज हो रहा है और ये एक लैपटॉप है जो ले जा रहे हैं, बाकी ये लैपटॉप रूम पर रहेगा। तो अभी सुबह के बज रहे 4:48 और सामान हो चुका है पैक, ये हैंड बैग, बाकी ये सब है। और अभी बाहर का मौसम जो है 70 डिग्री टेम्परेचर है। तो रूम से निकल चुके हैं, अभी अंधेरा है, ये लाइट जल रहा है। तो सामने कार खड़ी है जो ड्रॉप करेगी एयरपोर्ट पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो अब निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट जो हम लोग के रूम से है अराउंड 60 किलोमीटर है, और हमारे साथ में है आरिफ भाई, जा रहे हैं ड्रॉप करने के। आरिफ भाई, ये भी हमारे कंपनी के बहुत पुराने ड्राइवर है, 10 साल से काम कर रहे हैं हमारे कंपनी में। क्या भाई, सब ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफ भाई इंडिया से है, गुजरात से है, किंग फवाद रोड पे। रोड बिल्कुल खाली, इतना नॉर्मली खाली होता नहीं है, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, 5 बज रहा है सुबह के। अभी तो ये है किंग अब्दुल्ला सिटी, जो अभी रियाद का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, फाइनेंशियल टावर। और सामने है विंटरलैंड जो अभी बंद है। एक छोटा सा शॉपेज है सास्को पे, यहाँ पे लेना है जूस। तो वो जो था सुपरमार्केट बंद था, अभी आए हैं कुरु के अंदर। गिव मी दिस वन, एग से एग, ओके, गिव मी टू विथ जूस टू। तो इतना सुबह सुबह से कुरु ही कुरा मिला है, तो कुरु ऑर्डर किए है और आरिफ भाई बना रहे हैं कुरु का। ये आ चुका हम लोग का ब्रेकफास्ट। कैसा रहा एक्सपीरियंस नाश्ता का? बहुत बढ़िया, अच्छा रहा, बहुत अच्छा नाश्ता। अभी नाश्ता हो चुका है, अब 5 मिनट रिमेनिंग है, एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ से जाती है राइट प्राइवेट एविएशन एयरपोर्ट, जो आते हैं बड़े बड़े एक्टर, किंग, उन लोगों का इधर एयरपोर्ट है इस साइड में, बाकी नॉर्मल लोगों के लिए इधर है। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। चलिए फिर मिलते हैं आके वापस। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो बोर्डिंग स्टार्ट है नियोम के लिए, A01C04 नियोम। ये है बोर्डिंग पास। तो कुछ ऐसा दिख रहा है ऊपर से डोमेस्टिक एयरपोर्ट का बोर्डिंग एरिया। तो सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट हो चुका है। ये है ड्यूटी फ्री परफ्यूम का शॉप, सबसे पहले दिख गया है। बाकी हमारा जो है जोन 3 में है। तो अभी हम आ चुके हैं गेट के पास, बैठे हैं गेट के पास, 506A। यहाँ से बोर्डिंग है नियोम के लिए। बाकी फ्लाइट टाइम पे ही है, नींद आ रहा है, सुबह 4 बजे से उठे। ये है सैमसंग का स्मार्ट व्यू प्रोजेक्टर भी। यही फ्लाइट जाने वाली है नियोम, नंबर 506R। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है हम लोगों का 506। तो यहाँ पे सब लोग चाइनीज लोग हैं यहाँ पे।
एयरपोर्ट बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है, नियोम एयरपोर्ट। यहाँ से लेना है लगेज, लगता मेरा आ ही गया है। सामने है काला वाला, ये है बैग हमारा। एयरपोर्ट के सामने ही है रेड सी। तो हम लोग निकल चुके हैं बाहर एयरपोर्ट से। तो ये एयरपोर्ट बिल्कुल न्यू है, अभी काम चल ही रहा है। इस एयरपोर्ट को 3 साल भी नहीं हुआ बने हुए, और बाकी लाइट सब जो लगा हुआ है, 16 लाइट लगा हुआ पूरा। तो ये मिला है हम सबको खाना दोपहर में, खप्सा और ये टमाटर की चटनी और ये लबन। तो ये है पूरा नियोम का एरिया, पहाड़ी इलाका सब है। अरे भाई, तो हम लोग पहुंच चुके हैं नियोम। नियोम हम लोग काम से आए हैं, हमारे आरिफ भाई भी हैं, अफजल भाई भी। अफजल भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये लोग भाई नियोम में रहने वाले भाई हैं। अरे भाई, तो याद से आए क्या रे भाई? यस, रियाद से। रियाद से हैं और हम भी रियाद से ही आए हैं, यहाँ पे काम करने आए हैं हम लोग। बाकी यहाँ का पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ी पहाड़ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, ये नियोम का एरिया है। ये है कार की स्पीड यहाँ की पहाड़ी इलाका में, तो नॉर्मल होता ही हर जगह। और व्यू जो है बहुत ही अच्छा है। आप एक चीज देख सकते हैं, हर जगह लगा हुआ है सोलर लाइट, अभी से ही कर दिया कार्बन फ्री है, नो इलेक्ट्रिसिटी। पूरा पावर जो लगा हुआ है स्ट्रीट लाइट, ये सब लगा हुआ है सूर्य लाइट, सोलर पेड़ वाली। ये है तमीमी कैम, इसी के पास में है इंजाज बैंक, मनी ट्रांसफर। और जो सामने दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, वो पानी है, समुद्र का पानी है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? समुद्र जा रहे हैं क्या? समुद्र लेके आऊंगा। समुद्र जाना पहले Five hours later. रात के बज रहे हैं अभी 7, अभी भी काम चल रहा है यहाँ पे। जो देख रहे हैं पीछे ऑफिस है, इस समय कनेक्शन हो रहा है नेट का। बाकी अभी जा रहे हैं रूम में, थोड़ा होते हैं फ्रेश, फिर आपको दिखाते हैं आए गए रूम का व्यू अपना, यहाँ पे जो नया रूम मिला है। तो काम ख़त्म करके आ चुके हैं वापस रूम में। आज का जो जितना काम था नॉर्मली हो गया है, सही से हुआ है स्मूथली। बाकी और भी काम है यहाँ पे, भी काम चलेगा, लंबा काम है यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे नया सेटअप हम लोग का है बिल्कुल। जैसे आप सबको पता है कि हमारे जो IT इंजीनियर काम करते हैं, तो यहाँ पे नेटवर्क सेटअप करना है, सब कुछ करना है, सर्वर वर्वर लगाना है। और अभी हम अपना रूम में हैं, तो अभी आपको इस रूम का टूर देते हैं, दिखाते हैं आपको। बाकी खाना और रूम कंपनी की तरफ से मिला है हम लोग को, यहाँ पे खाना भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे, प्लस रूम भी कंपनी प्रोवाइड की हुई है। तो आज चलिए आपको दिखाते हैं रूम का व्यू। तो ये है मेरा रूम का अंदर का व्यू, पहले आपको हम दिखाते हैं बाहर से कैसा है ये रूम का व्यू। तो बाहर से देख सकते हैं ये फोटो केबिन है, ऐसा है, अंदर में कुछ ऐसा है। इस रूम में 2 बेड हैं, ये सीनियर रूम है, और विंडो ब्लाइंडर लगा हुआ है, ऊपर में लाइट है, इधर AC है, और ये है कपड़ा डालने के लिए ड्रॉर, इसमें हमारा है। बाकी ये दूसरा आपको दिखा देते हैं खाली, दूसरा पार्टनर नहीं है अभी, तो ये फुल्ली खाली है। इसको बंद करते हैं और आपको दिखाते हैं बाथरूम। ये है बाथरूम का अंदर का व्यू, ये पानी गर्म करने के लगा हुआ गीजर, बाकी ये सब है कुछ बाथरूम का नज़ारा। तो कुछ ऐसा दिख रहा है ये हमारा रूम अंदर से। बाकी अभी खाना का टाइम हो गया है, तो खाना यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाएंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो खाना हो चुका है कंप्लीट, अभी बज रहे हैं रात के 10 और अब जा रहे हैं सोने, क्योंकि कल रात में सही से सोए नहीं थे, क्योंकि फ्लाइट था सुबह 8 बजे, उठना पड़ा सुबह 4 बजे मॉर्निंग में। बाकी यही सब था कुछ आज का ब्लॉग, फिर आगे ब्लॉग शेयर करेंगे नियोम का, तबुक का, जाएंगे आगे। तो
बाकी आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।